Hello, assalamu alaikum Arush. How are you? Good. Okay, so today we have second class with you. So what do you want to learn today? How to make a teacup. Teacup we have already done. So what about? Teapot. Teapot, okay, done. So cheeze hame chahiye hongi. Pencils, make sure they are well sharp. Theek hai? अच्छी तरह शार्प की भी पेंसिलें हो, सॉफ्ट पेंसिल्स लेनी है और इरेजर, वी नीड कलर पेंसिल्स एंड मार्कर्स, ओके? अच्छा जी, ये वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि बच्चे जो छोटी छोटी उन्हें कुछ चीजें समझना मुश्किल होता है, तो ये वीडियोस उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है. इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि बच्चे सामने बैठ के बनाए जो और ये एक अंडरस्टूड बात है कि ये बच्चे जो मिस्टेक्स करते हैं कि अमूमन सब बच्चे करते हैं, तो यहाँ पर हम उन मिस्टेक्स को डिस्कस भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको कैसे ठीक किया जाए. तो इंशाल्लाह आई होप यू लाइक दिस काइंड ऑफ वीडियोस. So let's Arush, we will start. Keep your paper in a landscape position. I think you have already in a landscape position. Okay, good. So is position mein paper ko rakhenge. Again, put your finger in the center of your page. Theek hai, take a dot. First put your finger in the center of your page and then take a dot. Put dot there. Small dot. It's not center. I don't think so that this is the center. मुझे नहीं लग रही. Are you sure this is the center of your page? आप ना उसको वो टेप लगा लें अपने पेपर को अच्छी तरह. साइडों से टेप लगा लें. साइड्स पर टेप लगा लें ताकि वो पेपर जो है ना आपका मूव ना करे. और चारों तरफ लगा लें. कोई मसला नहीं है. Okay, good. ये ठीक है. क्योंकि आपको पेंसिल बाज़ औक़ात ड्राइंग करने के टाइम पर यहां से भी पकड़नी पड़ती है ताकि आप देख सकें कि आपकी ड्राइंग कैसी हो रही है. अगर आप ऐसे रख के पेंसिल बनाएंगे तो आपको तो नजर ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बना रही हूँ. ठीक है ना? इसलिए हम पेंसिल को दूर से ड्राइंग करते वक्त पकड़ते हैं ताकि हमें नजर आए कि हम बना क्या रहे हैं. ठीक है, ये हमारे लिए आसान होता है. ओके, तो आपने डॉट ले लिया है. अब आप यहाँ से हम फर्स्ट जी, ये हमारा टी पॉट है. आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, आप अपनी उसको चेक करें. आप आईपैड पे हैं? नहीं, आप मुझे अब दिखाई दे रहे जी. ओके, गुड. तो ये हमारा टी पॉट है. ओके, इसमें जो देखने की जरूरत है सबसे पहले, व्हाट इज द शेप ऑफ टी पॉट? ये मेन शेप क्या है? ये दिस वन, व्हाट इज दिस शेप? Yes, very good. This is circle. Okay, so अब हम इसको, इसके बाद एक सर्कल है जो इसका बॉडी है, उसके बाद इसका हैंडल है, ये है, और फिर स्पाउट, राइट? वो क्या है, पोएम है ना, एक I'm a little teapot, ऐसे ही है कुछ है. बड़ी अच्छी पोएम है, बच्चों को बहुत पसंद है. और ये इसका फिर एक लिड आ गया. लिड के भी टॉप पर ही आपको सर्कल नजर आ रहे हैं. टू मेन शेप्स आप इजिली देख सकते हैं, विच इज वन इज सर्कल, दिस इज सर्कल, और ये जो लेड है इसका, इसका है ओवल शेप में. ठीक है, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम अवर मेन शेप, फ्रॉम अवर, ओके, आपको समझ आ गया, हम ये ड्रॉ करेंगे.
आपको जो फ्लावर अच्छा लगता है आप बना लो. गुड. अच्छा इसका स्पाउट जो है उसको आप थोड़ी शेप दें. आपने मार्कर से कर दिया हाईलाइट? इसको जो था ना यहाँ से ऐसे शेप बोर्ड में तो मुझे नजर नहीं आ रहा. ये शेप तो नहीं दिया आपने यहाँ से इसको? ऐसे मैं बना रही थी तो टेप आ गया बीच में. ऐसे आ गई. चले कोई बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, नो प्रॉब्लम. अब आप फ्लावर बनाइए इसके ऊपर. बहुत अच्छी टीपॉट बन गई आपकी. सिर्फ वो जो ना स्पाउट से जो है ना वो थोड़ा बेचारे का हो गया. दोबारा बना ली? हाँ आप अपने. अब आप अपना ये स्पाउट नहीं बन रहा, इसको ऐसे उल्टा करें और इसको इसके ऊपर रखें. ठीक है, अपना खैर आपका ये पेपर ये है. ठीक है, उसके ऊपर मैं ये कैसे रफ्सा बनाती हूँ. आपका ये सर्कल है, ठीक है, ये ले जा गया, इसके ऊपर ये आ गया. मसला यहाँ से आप नीचे से स्टार्ट लें, यूं बना जाए और फिर ऐसे नीचे और फिर ऊपर. मेरा ये नहीं बन रहा. नहीं ठीक तो है, अब तो बिल्कुल ठीक है, सही बन रहा है. एक मिनट बस इसको जाना. ये और ऐसे कोई बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं है. और ऐसे जाए और फिर यूं जाए.
बहुत अच्छा बना है. एक्सेसरी मैं इसको हाइलाइट करती हूँ जरा. वेरी नाइस, बहुत अच्छा बन रहा है. और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आपने साइड्स पर इसको ऐसे किया है. अब आपको दूर से अगर आप देखें, आपको जैसे मेरा महसूस हो रहा है, मेरा पता चल रहा है कि ये आपका ये जो पॉट है ये एकदम से राउंड शेप देना शुरू हो गया. ठीक है ना, ऐसे ही है ना. अब आप इसके इधर हैंडल के इधर बस एक साइड पे करना है, इन साइड जो है ना इसका डार्क कलर यूज करें. लाइट ही होना चाहिए, थोड़ा लाइट ही होना चाहिए. ठीक है, ये लाइट होगा तो फिर इसकी स्फीयर शेप आएगी. ठीक है, अभी तो ये राउंड है, अब हम इसको स्फीयर फॉर्म में लेकर आ रहे हैं. ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने मार्कर यूज करेंगे. ठीक है, मार्कर अपने ब्लू मार्कर ही ले रही हूँ. और सबसे पहले सॉरी मैं ये इसमें अपने अपना जो मेरा फ्लावर है इसको करते हैं हाईलाइट. अच्छा अब आपने मार्कर्स किस तरह यूज करने, होल्ड योर मार्कर्स इन अ स्टैंडिंग पोजीशन. आपकी निब जो है अगर वो थिन निब वाला है, पिन निब है उसकी, दिखाएं निब दिखाएं उसकी. आपका जो मार्कर है उसका पेन दिखाएं, निब दिखाएं उसकी. इसको निब बोलते हैं ये जो. ठीक है, वेरी गुड. अब इसका इसको ऐसे करके बस आप इसके साइड्स पे आपने बना रहे आउटलाइन, सिर्फ आउटलाइन फ्लावर की. जो भी कलर है आपके फ्लावर का, अगर आपने पर्पल कलर यूज किया तो आप पर्पल मार्कर ही लें और ऐसे इसको हाईलाइट करें. सॉरी माइक म्यूट था. आप इसको ना ये रिमूव करें स्टैंड से और ब्रिंग इट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. यस, होल्ड इट फ्रॉम योर बोथ हैंड्स एंड ब्रिंग इट, कीप इट इन अ स्ट्रेट पोजिशन. Yes, more near to the camera. Bring it more near to the camera. Very nice. Okay. Okay. अभी आप next class के लिए कुछ select करके रखना और आप मुझे बताना आपने अब क्या सीखना है. ठीक है, फिर हम दोबारा class arrange करेंगे इंशाल्लाह. See you in the next class. Allah Hafiz.